बाद से 70 सालों में हमारे देश के अंदर मैं क्या कहना देने जा रहा हूँ आपको, 96,000 किलोमीटर सड़क बनी और पिछले 10 सालों में गडकरी जी ने 96,000 किलोमीटर सड़क बनाई। एशिया की सबसे लंबी और सबसे ऊंचाई वाली सड़क जो कश्मीर में लद्दाख को जोड़ रही है उसको जो मैंने जो बना रहे हैं 5 साल में हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं करता 5 साल में घंटों घंटों का सफर 15 मिनट में तय हो जाएगा। टॉयलेट के पानी से करोड़ों रुपया निकाल देना, गोबर से करोड़ों रुपया निकाल देना, कूड़े कचरे से करोड़ों रुपया बना देना, कहीं कोई वेस्ट हो जाए, कहीं प्लास्टिक बना उससे करोड़ों रुपया का सरकार को रेवेन्यू देना। एक दफा एक महाराष्ट्र में सड़क बननी थी जिसका टेंडर रिलायंस 3,600 करोड़ में उसको मिला, आपने रिजेक्ट कर दिया रिलायंस को, अपनी सरकार की एजेंसी से 1400 करोड़ में बनवाया, देश को 2,000 करोड़ रुपये बचा दिया। मुझे याद है मैं अपने घर बैठकर आपको देखते हूँ और मुझे एक चीज मंगाई, मुझे इनके घर पे जाने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज दर्पण, मैं हूँ आपके साथ जानवी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। इतना अफोर्डेबल रखा है कि एक चौकीदार भी आज अपने बच्चे को टॉप मिलेनियर्स के द्वारा बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करा सकता है। हमारे को फाउंडर श्री विवेक अग्रवाल जी को ये मैं लाइक टू शेयर फ्यू थिंग्स। मैं यही कहना चाहूंगा कि आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है बड़ा बिजनेस परिवार के लिए। जिस तरह का इम्पैक्ट हम लोग देश में देख रहे हैं, अभी बिगवा जी के घर गए कि भारत को विश्वगुरु बनना है, $5 trillion इकोनॉमी अचीव करनी है और ये अचीव होगी हमारे एंटरप्रेन्योर से, हमारे एमएसएमई से और उन्हें जिस तरह से हम इस वक्त इस प्रोग्राम के थ्रू पढ़ाई हमारी डिग्री सरकारी के थ्रू हम जिस तरह से एक बूस्ट दे रहे हैं, टूल्स दे रहे हैं जिससे वो एफिशिएंसी बढ़ाएं, जिससे इकोनॉमिकली ग्रो करें, मुझे लगता है कि भारत के इस विश्वगुरु बनने के महायज्ञ में ये हमारी यानी कि बड़ा बिजनेस परिवार की बहुत बड़ी और अहम आहुति है। इससे लाखों लोगों को फायदा होगा। हिंदुस्तान में ऑलरेडी 63 मिलियन यानी कि 6,30,00,000 एमएसएमई हैं। एंटरप्रेन्योर्स की गिनती ही नहीं है इस वक्त, लोगों को पता ही नहीं है कि कितने एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं और उनको ये टेक्निक सिखाना जिससे वो लॉस्ट ना फील करें, रियल ग्राउंड के चैलेंजेस, क्योंकि बहुत सारी पढ़ाई जो होती है वो थियोरेटिकल होती है, थियोरी से पढ़ के आदमी जब निकलता है रोड पे एक्चुअल ग्राउंड पे काम करने के लिए उसे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, उसमें फोर्सिंग नहीं थी और हमारे बिलियनर प्रोफेसर जो हैं वो इस रास्ते से गुजर चुके हैं और उन्होंने खुद उस जर्नी को तय करके सिर्फ थियोरेटिकली नहीं, किताबी नहीं, बल्कि खुद प्रैक्टिकली उस जर्नी को तय करके एक बिलियनर स्टेटस अचीव किया है, अरबपति खुद बने हैं और वो जब अपने ट्रेड सीक्रेट्स को जो अपने फेलियर्स एक्सपीरियंसेस एंड सक्सेस स्ट्रेटजीज शेयर करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए वो जर्नी जो है वो बहुत कम डिफिकल्ट कम पढ़ाओं के साथ में और बहुत जल्द एग्जीक्यूट हो जाएगी। इस सुविधा के लिए आई थिंक जो प्राइस में बड़ा बिजनेस इसे डिलीवर कर रहा है इट्स प्राइसेस। यानी कि अरबपति बिलियनियर जिन गुरु की भी चर्चा होगी वो अपना ब्लूप्रिंट देगा सक्सेस, ब्लूप्रिंट मतलब उनका सक्सेस में उन्होंने कैसे सफलता हासिल की। जैसे मैं आज एक बात बताता हूँ कि पैकेज मूवमेंट में नंबर वन हमारे भारत में सबको पता है कि अग्रवाल पैकेज, अग्रवाल पैकेज मूवर ने पे पर यूज मॉडल लाया जिसको आईएम अहमदाबाद में पढ़ाया था, ट्रकिंग क्यूब। कहानी ऐसी है कि उनके उन्होंने एक बार ये गाड़ी हायर करी कि भाई किसी ने मेरा सामान पहुंचा, गाड़ी है 40 फुट की, सामान आ गया 15 फुट में, तो कस्टमर बोला मैं 15 फुट का पैसा दूंगा। बोला पूरी 40 फुट की गाड़ी जा रही तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। बोला नहीं मेरा सामान तो 15 फुट में आया, गाड़ी से 40 फुट जाए जैसे मर्जी। मतलब अग्रवाल जी बोले भाई 40 फुट का पैसा लगेगा। तब उनको लगा क्यों नहीं ऐसा करें कि क्यूब्स बना दें और अगर उसको रिक्वायरमेंट इतनी है तो बची हुई स्पेस को मैं ऑप्टिमाइज करूं और किसी और को दूं। तो एक्चुअली जो मेरी फिक्स केपेक्स थी उतनी ही थी, डीजल उतने का ही लगना है, ड्राइवर उतने का लगना है, टोल उतने का लगना है, वेयर एंड टेयर उतने का लगना है। अब उसी गाड़ी के अंदर 3 कस्टमर का सामान जा रहा है तो
पहले एक को पैसा देना था 40 फुट का, अब 3 से पैसा लेकर के ज्यादा कमा लिया और कस्टमर को भी सस्ता पड़ा। अब ये केस स्टडी है, अब थ्योरी नहीं है, अब ये केस स्टडी आकर के सिखाया जाए। लावा भारत की मोबाइल कंपनी है, हरिओम राय उनके चेयरमैन, आप में ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा आज भी लावा 6,650,000 करोड़ का बिजनेस कर रहा है। तो अब हरिओम राय आकर के खुद बताते हैं, उनकी ये केस स्टडी आई एम बैंगलोर में पढ़ाई जा रही है इस समय, कि वो एकमात्र ऐसी भारतीय हैंडसेट कंपनी है मोबाइल की जो आज भी चल रही है और प्रॉफिटेबल है। अब आई एम अहमदाबाद, आई एम बैंगलोर में तो उनकी पढ़ाई कराई जा रही है, यहाँ पे वो खुद आके पढ़ाएंगे हरिओम राय चेयरमैन लावा के कि मैं कैसे 6,650 करोड़ के बिजनेस में पहुंचा, मैंने क्या क्या किया। तो उन्होंने 7 स्ट्रैटेजीज अपनाई। तो क्या बिलियनियर का ब्लू प्रिंट है? आपको मालूम नहीं होगा राजेश मेहता इनकी कंपनी का टर्नओवर कितना है, किसी को मालूम है? 3.75 लाख करोड़। कितना? 3.75 लाख करोड़। राजेश एक्सपोर्ट्स, ये फॉर्च्यून 500 जो कंपनी है उसमें केवल 7 ही है इंडिया में, दुनिया की जो 500 सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की 7 है, एक रिलायंस है, एक ONGC, एक SBI, एक टाटा की कंपनी है और एक इंडियन ऑयल है और एक राजेश एक्सपोर्ट्स, ये 7 ही कंपनी है सबसे बड़ी, 3.75 लाख करोड़ का टर्नओवर। अब ये इनकी केस स्टडी हार्वर्ड में पढ़ाई जाती है, अब इनकी हार्वर्ड और वॉटन दोनों जगह पढ़ाई जा रही है। और ये क्या पढ़ाते हैं उसमें? फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। यानी कि इन्होंने बताया, पहले मैं एक धंधे में था, उस धंधे का माल मैं किसी और से लेता था, वो भी मैंने चालू कर दिया, वो धंधा मैं किसी और को बेचता था सामान। फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, पहले ये सोना बेचते थे, उन्होंने कहा सोना मैं बेचता हूँ तो सोने की मैन्युफैक्चरिंग भी मैं करनी शुरू कर दी। पीछे गए, देखा कैसे करें, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, इससे पहले क्या हो रही है इसकी डिजाइनिंग, वो भी मैं कर लेता हूँ। उससे पीछे गए, माइंड खत्म किए। मैंने जब बाहुबली देखी थी, मुझे तब से करनी थी ऐसी कोई फिल्म, और इनके थ्रू आ गई तो मैंने कर ली। हाय सर, हाय श्रीनिवास, सो हाय सर, हियर हियर। जब टेक्नोलॉजी इन प्लेस हो जाती है तो हम उसी टेक्नोलॉजी के साथ, और सबसे खास बात जब विवेक बिंद्रा साहब से डिस्कशन चल रहा था GLA की टीम का और बड़ा बिजनेस की टीम का, तो आपका एक ही कहना था, एक किसी ने पूछा लक क्या होता है, तो मैंने एक शेर कहा है कि किसी और का शेर है ये, कि हार हो जाती है जब जब मान लिया जाता है, जीत जब होती है जब ठान लिया जाता है। विवेक बिंद्रा उन्हीं में से एक व्यक्ति हैं, और जब इन्होंने 1 करोड़ कहा तो मैंने इनकी तरफ देखने की कोशिश की कि इन्होंने मुझसे कहा था कि पूरे भारत पर छाना है, अभी अपने आप को छोटा क्यों कर रहे हैं। निश्चित रूप से देखिएगा कि इस टेक्नोलॉजी के साथ, जो बड़ा बिजनेस की टेक्नोलॉजी है, हम लोग अगले 5 साल में शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसकी पॉकेट में पैसा नहीं होगा और वो अपना बिजनेस नहीं कर रहा होगा, ऐसा नहीं होगा, आपको जानकारी।